खरगोन वन परिक्षेत्र बिस्तान के ग्राम पिपलझोपा में कब्जे की जमीन पर बने टीन शेड में तोड़फोड़ का मामला शनिवार को मुख्यालय पहुंचा। यहां कब्जेधारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर चार लोगों की नामजद शिकायत करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। एसपी ऑफिस पहुंचे अमालयाई बारेला ने शिकायती आवेदन में बताया कि पिपलझोपा में उसकी कृषि भूमि है जो पिता कालिया के नाम पर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इस भूमि पर टीन शेड का कमरा बना है जिसे 18 अगस्त की दोपहर चार लोग जिन्हें मैं जानता हूं आए और गाली गलौज कर तोड़फोड़ करने लगे। इन्होंने टीन शेड को भी नुकसान पहुंचाया। इसकी शिकायत जब भगवानपुरा थाने पर की तो पुलिस ने कोई मदद नहीं की जिससे उन्हें एसपी ऑफिस आना पड़ा। खरगोन में जिला पत्र लेखक परिषद द्वारा आयोजित गजल संग्रह शायद सच है का विमोचन प्रसंग तनिष्क पैलेस होटल में संपन्न हुआ। गजलकार एवं लेखक महेश जोशी द्वारा लिखित गजल संग्रह का विमोचन कहानीकार भालचंद्र जोशी के मुख्य आतिथ्य, समाज सेवी कैलाश अग्रवाल के विशेष आतिथ्य एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुलाब चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा गजल संग्रह का विमोचन किया गया। अतिथि परिचय राकेश गीते रागी ने दिया। स्वागत भाषण जिला पत्र लेखक परिषद के संस्थापक एवं साहित्यकार राकेश राणा ने दिया। गजल संग्रह की समीक्षा शायर कयामुद्दीन कयाम एवं गीतकार नरेंद्र जोशी ने की। लेखकीय वक्तव्य साहित्यकार हरीश दुबे ने दिया। कार्यक्रम का संचालन तन्वी परसाई ने किया एवं आभार राजेश मंडलोई ने माना। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। खरगोन पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति के नए नियम को लागू किए जाने, बैकलॉग पदों पर भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर अजाक्स ने रविवार को एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि मैं शासन के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,45,000 बैकलॉग पद रिक्त है। इस पर भर्ती की जाए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सरकार प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर रही है, उस पर रोक लगाई जाए। अगर भर्ती करना ही तो उसमें भी आरक्षण के नियम का पालन किया जाए। छात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। पूरा साल बीत जाता है उसके बाद छात्रवृत्ति मिलती है। वहीं कॉलेज संस्थान छात्र छात्राओं को फीस के लिए परेशान करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक जिले संभाग और प्रदेश स्तर छात्रावास खोला जाए, इन सभी मांगों का शीघ्र ही निराकरण करने की मांग।